सो हेलो हाय गाइस, हम में से सबका ड्रीम होता है कि अपना एक ऑफिस बिल्ड कराया जाए, अपना घर बनाया जाए, बट हम में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी जब करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं उसको बनाते टाइम। सो गाइस, दिस वीडियो इज अपार्ट फ्रॉम आवर ट्रैवलिंग वीडियो, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अगर अपना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं घर तो उसमें हम क्या क्या गलती कर सकते हैं। तो मैं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, इवन मुझे चेन्नई भी नहीं पता थी, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर काफी सारे लोगों को वो भी नहीं पता होगा जो आज के जनरेशन के। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक चेन्नई, शटरिंग, पीवीसी पैनल्स, टाइल्स, जितने कुछ भी होते ना, लाइक फ्रॉम स्क्रैप, एक जमीन से सब कुछ शुरुआत करते हैं, वहां से लेकर एंड तक की पूरी कहानी बताऊंगा। अगर आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहे हो, ट्रस्ट मी, दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो देखने का अगर अच्छी लगी हो तो। बिगिन दिस वंडरफुल एपिसोड, दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर ट्रैवलिंग सीरीज। विद दिस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड चलते हैं। आज है January 3rd और चलते हैं फ्लैशबैक में जाके हम जाते हैं सीधा सितंबर में। तो भाई शुरू करते हैं। जब भी अपना घर बनाते हैं सबसे पहले आपको तीन चीज़ें चाहिए होती है, जो कि डस्ट, सीमेंट एंड ईंटें। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है कि कौन सा सीमेंट यूज़ करें या कौन सी डस्ट यूज़ करें, डस्ट पर्टिकुलरली सब जगह से सेम आती है, थोड़ा बहुत क्वालिटी का फर्क होता है उन चीज का, वह वहाँ जाकर देख के ले सकते हैं। एंड अगर सीमेंट की बात करूँ तो आप अल्ट्रा टेक का ले सकते हैं, रॉक स्टोन का ले सकते हैं, जो भी अच्छे सीमेंट होंगे 420, 410, 400 रुपये का, वो अच्छे होते हैं बेसिकली, तो इसमें ज़्यादा ना जाते हो। पर इसके पहले भी जब आप ईंटे वीटे का काम हो रहा है उससे पहले आपको सपोर्ट करने दो चार पिलर, जैसे कि आप कोने में देख रहे हैं। स्टूडियो का वक्त चला था उस टाइम, हमें पिलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज पहले से यहाँ पे एक पिलर लगा हुआ था, इस कारणवश वो पूरा सपोर्ट दे रहा था। पर जब हमारे घर का काम चालू हुआ उस टाइम हमने चार पिलर्स और एक्स्ट्रा लगवाए थे। इन्हें पिलर ही सबसे मेन चीज होती है जो आपके पूरे घर को सपोर्ट करता है, जमीन से कम 4 या 5 फीट अंदर होता है, सबसे बड़ी बात ये। तो इसको लगाने का काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, जिससे बहुत ज़्यादा सीमेंट। तो वैसे ये तो हुई दीवार खड़ी करने की बात, बट इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या रखनी है कि दीवार आपके कभी भी टेढ़ी ना जाए, बिकॉज बहुत सारे मिस्त्री एक गलती करती है, दीवार को टेढ़ा बना देते हैं, 2-2 इंची का गैप होता है, कई बार ज़्यादा गैप होता है, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि दीवार टेढ़ी ना हो। तो वैसे यहाँ तक तो बात हो गई आपकी चिनाई की, दीवारी खड़ी करने की। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है शटरिंग। शटरिंग क्या होती है, शटरिंग का मतलब होता है जो प्लाइयाँ होती है वो लगती है, इसके ऊपर लेंटर डाला जाता है ताकि सपोर्ट बना रहे, उसको कहते हैं शटरिंग। शटरिंग का खर्चा क्या आता है, शटरिंग खर्चा अराउंड 20-21-22 रुपये के करीब आता है, 23 रुपये तक आता है फीट के हिसाब से, अगर आप अपने अपने एरिया पे डिपेंड करता है ये सब कुछ, तो यही एरिया आता है। अगर आपका 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया होता है तो वो खर्चा भी उल्टा और कम हो जाता है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो लकड़ियाँ लगी है, सपोर्ट लगा हुआ है, इसको शटरिंग कहते हैं। इसके अंदर लोहे आते हैं, गार्डर्स आते हैं, जितने एमएम के आपके लोहे लगेगा उन सबके सपोर्ट के लिए ये सब बल्लियाँ लगती हैं, शटरिंग जिसको कहते हैं। इवन जो आपकी बीम लगती है और जो आपका छज्जा लगता है वो भी सब शटरिंग की मदद से रुकता है। बताओ इधर आके बता दो, दिखाओ क्या लिखा आपने। इसको देख लो, हाँ अब आप बताओ कैसे कैसे लगेंगे इसमें। 12 mm के तो ऐसे आएंगे आपके 11 फुट 6 इंची के, 12 mm के, हाँ 11 फुट 6 इंची के 22 सरी आएगा ऐसे करके। अच्छा, बस ये है लोहे वाले, जो लोहा आपके शटरिंग के ऊपर लगेगा सपोर्ट के लिए वो आपको बताते हैं कितने लगेगा। लोहा लेते हुए आपको कई सारी बातें ध्यान रखनी है कि लोहा आप जो ले रहे हैं कितने एमएम का है, कहाँ कितने एमएम पर लगना है। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो प्लीज़ जाके किसी एक इन्फॉर्मेटिव जो आदमी होता है उसको दिखाना आज पड़ोस में कि कितना लोहा कितने एमएम का लगा है। अब इसमें लोहे में भी क्या होता है, कंपनीज होती है, राठी का होता है, लोकल होता है, टाटा का होता है, जिसमें सबसे बेहतरीन और सबसे महंगा टाटा का आता है, जिसकी पूरी की पूरी एक लेंथ कटती है, लेंथ का मतलब पूरी की पूरी जो पाइप होती है वो कटती है। इसके अलावा राठी का भी आता है, राठी में भी कई सारा आता है, और एक लोकल लोहे भी आते हैं। तो कोशिश करें कि लोकल पे तो कभी बिल्कुल भी ना जाएं, इवन अगर टाटा जैसे तो टाटा पे जाओ, नहीं तो राठी पे जाना, नहीं तो कोई भी और आपके वहाँ हो लोहा अच्छा वाला उस पर जाना होता है। लोहे के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एक बिजली वाला। बिजली वाले में मैंने हाईलाइट क्यों करा, क्योंकि आप जो भी बिजली का काम कराएं उसमें ये बात ध्यान रखें कि एक ही बिजली वाला आपका हो, उससे पूरी बात कर लें कि सारी बिजली की फिटिंग आपने करनी है, सीलिंग लाइट आपने लगानी है, और जो भी GI बॉक्स लगेगा कुछ आपने करना है। तो जब भी आप शटरिंग वाले को बुलाते हैं, शटरिंग वाले के बाद आपको वो आता है लोहे वाला, मैं रिपीट इसलिए कर रहा था कि भूलो ना, उसके बाद आपको लोहे वाला आता है, ठीक है। लोहे वाले के बाद जो बिजली वाला आता है, बिजली वाले के बाद आपका आता है लेंटर वाले, लेंटर डलता है उसके बाद आपका। तो ये है बिजली वाले, बिजली वाले इस टाइम आगे क्या करते हैं वो आपको बताते हैं, सीलिंग लाइट कहाँ का लगेगी, कैसे कैसे फैन हुक दिया जाएगा और क्या क्या होगा, वो सब आते हैं ये वो करते हैं, उन सबके एक कहते हैं स्लॉट देना होता है वो कर देते हैं ये सब बिजली वाले आके। उसके बाद हम जाते हैं बिजली वाले के पास, बिजली वाले पास जाके वहाँ हमें फैन बॉक्स लेना होता है, जो भी सामान होता है बिजली वाला जो बताता है वो सब हमें लेके आना होता है। डिपेंड्स ऑन यू आप किस क्वालिटी का लेते हो। आप जाते सरिया वाले के पास, सरिया जब आपका तैयार हो जाता है, किस क्वालिटी का सरिया लिया वो सब लिया, उसके बाद बिजली वाला अपने बॉक्स वॉक्स सेट करते हुए सरिया वाला आके अपने
सरिया लगा जाता है कि सरिये कहाँ का कैसे कैसे लगना है, इस टोटली अप टू डैम, वो सब खुद करते हैं, हमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, भले आप ठेके पे कराओ चाहे आप इंडिविजुअली कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आपके जो वजन तोला जाता है उसमें चेक कर लेना कि ऐसे पत्थर वत्थर ना भरे हो। सेकेंडरी ये कि जो मीटर हो वो डिजिटल मीटर हो, नॉर्मल मीटर ना हो, बस यही आपको ध्यान रखना हो सरिया खरीदते टाइम। उसके बाद फाइनली वो दिन आता है जब हमारा लेंटर डलता है, लेंटर डलते हुए आपको सीमेंट चाहिए होता है बहुत सारा, प्लस में रोड़ी चाहिए होती है एक और आधा इंची की मिक्स, प्लस में चाहिए होती है डस्ट, इन सबको जब वो मशीन में डालते हैं उससे तैयार होता है ये। एंड ये जो लोग आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 19-20 लोग आए थे जब मेरी इस छोटी से ऑफिस का बनना था, एंड वो आके एक दिन में सब कुछ कर गए थे जैसा कि आप सब देख सकते हो। एंड इसके साथ अभी स्टोरी बहुत बाकी है। तो गाइस टुडे इज 26th ऑफ अक्टूबर और आज हमारी शटरिंग खुल रही है इस घर की, दुकान की, एंड वी आर प्लानिंग टू लाइक बिल्ड दिस ऑल्सो। भाई साहब 12-15 दिन बहुत रहते हैं ना, चार दिन आती है मेन बात, 12-15 दिन क्या दिन, मिनिमम आपको 10-12 दिन से लेकर 15 दिन तक अपना शटरिंग जो है जो लेंटर के बाद वो जो पक्का होना होता है उसको रखना होता है, और इसके अलावा इसमें आपको ट्राई करनी होती है। मैं जब ट्राई करता मैं दिन में 3-3 बार ट्राई करता था, ट्राई का मतलब पानी डालना बेसिकली, आपको ढूंढना होता है झिरी वाला आता है, झिरी काटता है, झिरी काटने का मतलब बेसिकली दीवारों में ऐसे करना जिसमें आपकी तारें जाएंगी, जहाँ जहाँ बॉक्स लगने हैं वो सब डिसाइड होता है। हो जाता है कैसे हो जाता है भैया, क्रेक हो जाता है ना। हाँ जी, उसको दोनों तरह से चिकनी झिरी होती है, ठीक है, आपको 10-12 साल में दीवार क्रेक हो जाती है, भली मशीन हो ग्राइंडर, और ये चिकनी झिरी नहीं होती है, ये उबड़ खाबड़ होती है, बराबर नहीं होती है, इसमें मसाला पकड़ होता है, वो दोनों तरफ से वो स्लिप। द थिंग वॉज कि ये झिरी काट रहे थे हाथ से, जब मैंने इनसे पूछा कि हाथ से क्यों काट रहे हो, मशीन से क्यों नहीं काट रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हाथ वाली ज़्यादा सफाई होती है एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, उस वाली में पाइप में ज़्यादा छेद हो जाते हैं, तो यही सब बात थी। के बाद में पहुंच जाता हूं सीधा पेंट वाले के पास पेंट की कोटेशन लेने के लिए, बट आप कुछ भी ऐसी गलती मत करना, दिस वॉज वाई वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए। इस टाइम में सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ व्हाट वॉज माई स्टोरी लाइन व्हेन आई वॉज बिल्डिंग माई ऑफिस। उसके बाद जाते हैं अपने बिजली वाले के पास, वहाँ पे जाके हम लेते हैं जो भी पाइप लगनी होती है, बॉक्सेस लगने होते हैं, वो सब कुछ लेते हैं, बिकॉज आपको पता है जब झिरी का काम आपका हो जाता है उसके बाद आपको सारी पाइपें जितनी भी पाइप है वो लिखवाते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो आप पाइप लोगे वो अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क के साथ लेना, और मेड इन इंडिया हो तो मतलब बहुत वेल एंड गुड है, और ये सब जो आपके यहाँ कोनों कोनों पर लगते हैं उसके बॉक्सेस हैं। ये जो पाइप लगाने का काम है ये भी झिरी वाला ही करता है, तो झिरी वाला झिरी काटेगा एंड पाइप लगा के जाएगा। इन सब कामों के बाद मुझे एक चीज़ का पता लगता है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि AC की जो फिटिंग होती है वो होती है अंडरग्राउंड, जब आप नया घर बनवा रहे हो तो AC फिटिंग के लिए मैं इन भैया को बुलाता हूँ, ये आते हैं ये बताते हैं कि AC का स्विच यहाँ लगेगा, ऊपर जाके फिटिंग होगी अंदर की, और जब भी आप लगवा रहे हो तो यह ध्यान रखना कि गोदरेज या कोई अच्छी कंपनी का ही पाइप लगवाना जो दीवारों के अंदर लगता है, उससे आपकी ड्रेनेज जो होती है और जो AC का पाइप होता है सब कुछ होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ये सब बाहर से फंक्शन हो जाता है, वो मैं अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ हो रहा है, अब हमारा यहाँ पे प्लास्टर होगा और यहाँ पे ये तारे लग सके हैं। क्या नाम था भैया आपका? संजीत। मैंने वायरिंग करी है, ये होती है अंडरग्राउंड वायरिंग AC की जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, होती है AC की अंडरग्राउंड फिटिंग, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है अगर आप अंडरग्राउंड करवाते हो, क्योंकि बाहर से जब कराते हो तो लोगों के पानी बाहर AC गिर रहे होते हैं वो सभी होता है। एंड विद द गॉड ग्रेस हमारा पीछे घर का काम शुरू हो जाता है इसके बाद से ही, यानी हम पूरा पीछे का तोड़वा के ऊपर बनवाने वाले हैं बहुत जल्द, इस वीडियो में आपको शायद वो भी दिख जाए, तो लेट देखते हैं आगे। बाकी ये सब हमारा काम चालू हो चुका है पूरा घर वर पीछे सब तोड़ने का, लेट सी। ये सारी तुड़ाई वगैरह हो रही है छत की। आफ्टर डैट मैं नेक्स्ट डे चल जाता हूँ टाइल्स देखने के लिए, मैं टाइल्स देखता हूँ, मुझे ये वाली टाइल्स सबसे ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज एक ब्राउन वुडन फिनिश था, जैसे कि आपने अभी मेरी वीडियो में देख रखा है, ये वाली सारी टाइल्स लग रही है मेरे घर पे, तो ये टाइल्स मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ तरह की टाइल्स ही टाइल्स के ऊपर चाहो तो आप बहुत ज़्यादा मतलब एक डिटेल्ड वीडियो होती है, मैं डिटेल्स में जाऊँगा कि बहुत दो तरह की टाइलें होती है, फिसलने वाली नहीं फिसलने वाली, ग्लॉसी फिनिश की नॉन ग्लॉसी फिनिश की, जिस तरह की चाहिए हो बाहर की इनडोर आउटडोर सारी टाइलें अलग अलग होती हैं। हालांकि बात करें टाइल लगाते कैसे हैं, इसमें तीन पार्ट देख रहे हो आपको महसूस नहीं हो रहा कैसे, ये एक पार्ट है, ओके ये एक पार्ट है। मुझे ये वाली टाइल काफ़ी पसंद आती है बिकॉज ये लाइट एंड ब्राउन का काफ़ी मिक्स अच्छा लगा मुझे, पर टाइल है तो ये चीज़ ध्यान रखें कि सस्ती टाइल है बिल्कुल बना ले। मैंने जो कुछ भी पूरी अपनी ऑफिस में लगाया वो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें लगाई हैं, सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड चीज़ लगाई हैं जो 2023 में सबसे लेटेस्ट चीज़ें थी, तो इन बातों का ध्यान रखें टाइल में बिल्कुल भी पैसे बचाने की कोशिश ना करें, या जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी थोड़ी पता लग जाएगा कि टाइल में ये गलती था। मैं बता देता हूँ टाइल्स लगाने की दो सावधानी है वो अपनाना होता है, जो फर्स्ट चीज टाइल्स के जो लग रहा है ना आपका वाल या फ्लोर जो भी हो
पोली नहीं रहना चाहिए। पोली का मतलब होता है बराबर सीमेंट या मसाला, एट एस केमिकल या सीमेंट, जिससे भी टाइल्स को लगा रहे हैं फ्लोर में या वॉल में, तो ये एकदम से पूरा टाइल में पूरा बड़ा बड़ा प्रॉपर आना चाहिए, पोली नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए टाइल्स तो हमारे ये सीमेंट पूरा भरना चाहिए, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे सीमेंट रह गया और ये चारों तरफ केमिकल या सीमेंट लग गया, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा, टाइल्स फर्श में या दीवार में चिपक गया, तो इस जगह से वो कमज़ोर होता है। अच्छा, ये ठीक है जी, ये होता है बस, और कोई सावधानी नहीं अपना, बस मैं नहीं है। जैसे अराउंड 4th of November अब तक लाइक हमारा पीछे का पूरा घर टूट चुका है, हमारे एक शॉप रेडी है थोड़ी बहुत, जिस यहाँ दूसरी शॉप, दूसरी दुकान का काम चल रहा है और तीसरी दुकान का भी चल रहा है। तो पहुँचे शटर वाले के पास, शटर वाले ने भी मेरे से एक हफ्ते का टाइम लेते थे, शटर बन चुका है हमारा 22 गेज का है ना, ये भी लगेगा, ये क्या है, ये तो स्टील है। अच्छा, ये आपकी साइड है। अच्छा, आपकी साइडों में लगेंगे। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी सर, बाहर आपके शटर होती है 20 गेज के, 22 गेज के, अराउंड अराउंड जो शटर की मजबूती नापी जाती है। मैंने इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट चुना 22 गेज का, जो मुझे बेस्ट लगा अपने हिसाब से। आप अपने दुकान का घर का काम करा रहे हो, कोई ठगा कोरी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई आके ट्राई जरूर करता है। तो ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर कल चालू करेंगे, देखो अभी रात नाइट लास्ट में। सो गाइस, ये भाई बस मैं से एडवांस मांगे जा रहे थे एंड कहानी मैं भी बताता हूँ। पैसे मैं आपको दूंगा जब काम स्टार्ट हो जाएगा या फिर जब सामान मेरे घर आएगा, ठीक है, ये क्लियर बात है। नहीं, उनकी बात वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं। देखो ऐसा है भैया, कोई भी काम करा रहे हो लेबर से मजदूर से, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, पर आप किसी को भी एडवांस ना दो, एडवांस दो तो उसको बोलो पहले मेरे घर पे सामान आएगा, जब से काम शुरू करो तब से एडवांस देना, इस लाइन में तो खास कर। तो ये मेरे से एडवांस मांग रहे होते, मैं देता नहीं हूँ एंड ये बहुत बार मेरे घर आती हैं, हालांकि मैं काफ़ी सेफ रहता हूँ और बच जाता हूँ इन सब चीज़ों से। 6th November और आज हम आए हैं अपना सामान लेने, जो भी हमारी पुटाई और उसमें लगेगा, देखते हैं। काफ़ी देर सोचने के बाद मैं को ऐसा लगता है ऑफिस में पेंट करवाना चाहिए, तो मैं पेंट की दुकान पर जाता हूँ एंड पेंट का पता करता हूँ क्या होता है। और पुट्टी चाहिए सेम वही उसके हिसाब से ही, और उसके ऊपर पुट्टी के ऊपर क्या लगता है, प्राइमर या ऑयल बेस्ड प्राइमर। सो गाइस, मैं आपको मेन में बता देता हूँ, जब मेरी ये ऑफिस तैयार हो रहा था तो उस टाइम पे मैंने अपने इस ऑफिस के अंदर हर चीज़ करवाई थी, बिकॉज मुझे अपने ऑफिस को हर जगह जाता था, मैं हर किसी को बोलता था मुझे बेस्ट सामान चाहिए, आई फकिंग डोंट केयर अबाउट द मनी, मुझे सिर्फ सबसे अच्छी और लेटेस्ट चीज़ चाहिए। बट इसमें भी आप एक गलती कर सकते हैं, भले आप कितना भी पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी करी थी। जब मैं वहाँ गया था तो मुझे सिर्फ वाइट सीमेंट और पुट्टी पता था, पर उसके बाद कहते हैं कि चौक मिट्टी भी लगती है, चौक मिट्टी सस्ती आती है पर जिसको लेबर लगाती है वो हमेशा अपनी लेबर 2 दिन एक्स्ट्रा बता देती है। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आप ये गलती मत करना, और लास्ट में वीडियो पूरी देखने पर तय करना कि आपको एक्चुअली अपने ऑफिस में या घर में या कहीं भी करवाना क्या है, चौक मिट्टी, वाइट सीमेंट, बिरला पुट्टी, ईच एंड एवरी थिंग। इसमें मैंने हर चीज़ करवाई और अलग 20-25 हज़ार रुपये सिर्फ इसी चीज़ में लगा दिए थे, बट जब मैंने उसको तैयार करा तो इट वॉज लाइक नॉट लुकिंग दैट मच गुड जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। तो उसके बाद क्या होता है वो आगे देखते हैं। फिलहाल अगर आपको कब तब भी करवाना हो चौक मिट्टी या कुछ, तो उसका प्रोसेस देख लीजिए। अच्छा, किसी ने प्लस्तर करवा लिया, उसके बाद क्या उसको वाइट सीमेंट करवानी चाहिए, आफ्टर डैट पुट्टी के बाद प्राइमर, दिस इज़ द बेस्ट वे, मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी, कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं आया। हाँ, वो भी कारीगर भी बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, लगे हाथ हमारा यहाँ शटर भी हो जाता है एंड शटर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। एंड शटर में सबसे बड़ी बात ये, जब भी कोई शटर ले या कोई भी स्टील ले, याद रखें टाटा का ले और ISI मार्क का देख कर ले, तो ये वन ऑफ द लाइक बेस्ट था। इसमें मैंने लॉक्स भी इसके अंदर लगवा रखे, सारे लॉक इसमें ताले लगाते हैं, वो सब लगाते हैं, इसमें वो उसकी जरूरत नहीं थी। थैंक यू सो मच अब अंकल, शॉप का शटर का तो दिक्कत कोई नहीं आती, जल्दी नहीं आती है। अच्छा, बाकी हम जबरदस्ती करेंगे कोई भी चीज़ के, तो टूटेगी, दिक्कत आएगी, हम झटके से ऊपर ले जाएंगे, छोड़ेंगे नॉर्मली, दिक्कत आएगी। हमारे ऑफिस में सारा पेंट जो भी चाक मिट्टी सब कुछ हो जाता है यहाँ पे, जो मैं करवा लेता हूँ। हमारा यहाँ पे हो गया दीवार रेडी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने सीमेंट करवाया था, उसके बाद चाक मिट्टी, उसके बाद प्राइमर, पता नहीं क्या क्या सब कुछ जो जो होता है सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट करवाया था मैंने इसके अंदर, और इन सब का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस टाइम पे आपको जो पेंटर है वो बोलेगा सूखने दो तब फिनिशिंग आएगी, रुक जाओ फिनिशिंग आएगी, ये वो, उस बात पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, जो आपको जब दिख रहा है उसके बाद ही जो होता है वैसे ही दिखता है हमेशा फिनिशिंग। और इसके अलावा वीडियो में आगे जाकर बताऊंगा PVC पैनल, WBC पैनल्स और जो कोई भी पैनल्स चल रहे हैं मार्केट में उनके बारे में बताऊँ कि आपको कौन से लेने चाहिए। पर इसके अलावा जो कोई भी आप मिस्त्री लेबर आता है उसको पूरे
पैसे ना देना, जो मेरे फादर जो घर बनवा रहे हैं उसमें इन्होंने सबसे बड़ी गलती करती है, वो एक्चुअली जिस किसी की पेमेंट होती थी पूरी पेमेंट दे देते। मैं मानता हूँ ये चीज़ सही भी है और गलत भी है कि लोग जो लेबर होती है मिस्त्री उसके 100-200 रुपये रोक के रखो ताकि वो कहीं और भागे ना, अगर आप दिहाड़ी पे काम करा रहे हो। पूरी वीडियो सिर्फ उनके लिए जो दिहाड़ी पे काम करवा रहे हो या फिर लेबर वर्क करवा रहे हो या डेली बेसिस पे करवा रहे हो अगर आपके। और इसमें लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है जो मेरे साथ हुआ, यू हैव टू गिव यू ऑल द टाइम। शुरू में तो मैं दे पाता था बट आफ्टर दैट मैं जब काम करना शुरू होता था बिजी बहुत रहता था। ये मेरी आई थी दिक्कत अब टाइल वाले के यहाँ, टाइल वाले ने जब टाइल लगाई थी तो वो लास्ट में ड्रेन पाइप का छेद देना ही भूल गया था। उसके बाद उसने मुझे एटलीस्ट एक हफ्ते दो हफ्ते तक घुमवाता रहा था, मैं क्योंकि मेरी आदत है मैं पैसे ना हाथों देता हूँ और मैंने चेक नहीं करा काम, तो कह रहे मैं लगाना भूल गया, फिर वो कह रहे हम पे टाइम नहीं, हमने कहीं और काम पकड़ लिया। तो ये वाली गलती बिल्कुल भी ना करें, जिस किसी भी लेबर से काम करवा रहे उसको बोलो टाइम पे अपना पूरा काम कर जा, काम पूरा चेक करो, ये बहुत जरूरी काम चेक करना। सो गाइस, ऐसा कहा जाता है कि शादी करना और घर बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, पर आई थिंक पहला हमने करना नहीं है, दूसरा हमने बड़ी मुश्किल से कर लिया। एंड इसके अलावा लेकिन आप जब भी घर बनाते तो उसका मुझे ये है कि उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपने अपना घर जो है ठेके पे देना है कि एक फिक्स अमाउंट आपके पास है, यू हैव टू जस्ट गिव इट एंड लेट इट बी, तो उनके लिए वीडियो कतई नहीं है, अब अभी वीडियो बंद कर दो। पर जिन लोगों को अपने लाइक पैसों की परवाह है, थोड़ा सा बच बच के चलना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। इसके अलावा वीडियो आई नो काफ़ी लंबी होगी और वीडियो लगभग 20-25 मिनट की, गिव यू ऑल टाइम इन द वीडियो, उसमें आपको सारा कुछ बताऊंगा, लास्ट में मेन बातें भी बताऊंगा। अब तक लगभग 2 महीने बीत जाते हैं और दिवाली का टाइम शुरू हो जाता है। छोटी दिवाली, क्या तारीख है आज है मे बी 11 नवंबर और हम कर रहे हैं पेंट, हमारी दुकान का पेंट हो चुका है ऑलमोस्ट फाइनल। सो गॉड ब्लेस अस विद दिस, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल सबको हैप्पी दिवाली ऑफ 2023। और इस साइड हमारा घर बन रहा है, हमारी पापा की दुकान जो बड़ी हो रही है, इधर यहाँ लक्ष्य का कमरा या दुकान जो कुछ भी बनता है। बाकी इसके साथ हमारा ओपन लंटी डल जाएगा बहुत जल्द। आपको कैसा लग रहा है ये पेंट करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बड़े बड़े लोगों को, घरों को या बड़े बड़े कहीं भी हम हॉस्टल जाते थे वहाँ मैंने सुना था कि लोग बताते थे कि हमने पेंट करा, मैंने पेंट करा इसमें, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि ये जो एटलीस्ट फिनिशिंग है वो मैंने कर रखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पेंट करते हुए। और जब आप अपना घर या अपना कुछ भी पेंट करते हैं या अपना कुछ भी डेकोरेट करते हैं तो उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है कि यू आर जस्ट डूइंग योर थिंग नॉट समवन एल्स थिंग, तो दैट्स अ गुड मोमेंट। हमने ये सुना है कि भाई जब पेंट वगैरह करते हैं तो पुराने कपड़े पहन लेते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो, आप उन्हीं कपड़ों में कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कपड़े आपके ख़राब हो जाएंगे पेंट लग जाएगा? सर हमने अब इतना पैसा कमाना है कि कपड़ों की चिंता नहीं करनी। वेरी गुड, ठीक है, कपड़े कोई भी लगते रहे। बस ये क्लिप तब के जब हमारे घर का लेंटर डल रहा था एंड ये सारी जो शटरिंग हो रही है, ये हमारी लेंटर वाली मशीन आ रखी है, प्लस के साथ साथ सारी बीम होती है जो ऊपर आपको दिख रही है एंड ऊपर ये सारी हमारी पाइपें डल रही हैं, और ये जो होती है 4 सीलिंग की लाइटें हैं, इन सब में जो पाइप डल रहा है ISI मार्क का है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, ये बात जरूर ध्यान रखें। कैसे हो, ये क्या हो रहा है, क्या ये एक्स्ट्रा लग जाएगा? यहाँ तक तो होगी हमारी लेंटर की बात, कि लेंटर डलते हुए तक क्या क्या चीज़ें आती है, पर लोगों को लगता है लेंटर डल गया तो उनका आधा काम होगा, नहीं, अभी तो सिर्फ 30-40% काम होता है। और ये जो आप देख रही है होता है जाल, जो सारा सरियों का जाल बिछाया जाता है छत के ऊपर जिस पर लेंटर डलता है। आगे बहुत कुछ आने वाला है, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है वीडियो की, इसके अलावा मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा कि लेंटर डलने के बाद क्या होता है एंड पूरा लास्ट तक कैसे कैसे होता है। टुडे इज 27 नवंबर, मैं बहुत थका हुआ हूँ, लाइक नींद नहीं पूरी हो पा रही, शूट कंटिन्यू चल रही है और हमारा लेंटर डल रहा है। आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि एक दुकान के बाद दूसरा ये शुरू हो गया। फिलहाल मौसम ऐसा कि बारिश होगी, शाम का शूट है, शूट की वीडियो शायद आप देख चुके हो, शायद आने वाली हो, लाइव हो फोटोग्राफर, यानी हमारे भाई यहाँ काम करते हुए, नीचे पूरी मशीन लग रही है, वो भी मैं दिखाता हूँ नीचे से। गाइस आज हमारा टाइल्स का काम शुरू हो गया है, ये मसाला बन रहा है नीचे। और भैया कैसे हो, ये हमारे टाइल्स लगाने वाले हैं, बढ़िया लगाना भैया। ये भैया आए थे हमारे टाइल्स लगाने वाले, जब भी कोई टाइल्स लगाने वाला आए पहली बात तो मिलने बहुत मुश्किल होते हैं ये लोग, और जब मिल जाते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके जो टाइल्स लगे वो प्रॉपर तरीके से लगे, जो आपके नीचे ये फर्श होता है इस फर्श को बनाने की भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, ये बात मुझे कभी किसी ने नहीं बताई थी ना मुझे पता थी। इस पूरे फर्श में सीमेंट और वो डाला जाता है, साथ में एग्जॉस्ट फैन का छेद हमेशा देना भूले अगर कोई भी शॉप या कुछ भी बन रहा है, और ये इसमें यूज़ होती है डस्ट, और जब भी आपका प्लस्तर होता है उसमें यूज़ होती है जमुना, इन दोनों फर्क होता है। इसके बाद हम आते हैं ग्लास वाले के पास, यहाँ पे
ग्लास का ऑर्डर देते हैं, जो भी शीशा लगना होता है। ये भैया यहाँ आते हैं, इसका नाप लेते हैं कि कितना साइज़ का ग्लास का डोर लगेगा। इस ग्लास के डोर में भी कई सारी चीज़ें होती है, नॉर्मल ग्लास होता है और सिल्वर ग्लास होता है, गोल्डन ग्लास होता है, और फिर लास्ट में आता है सबसे महंगा ग्लास, ब्लू कट ग्लास। तो मैंने जो अपनी शॉप में लगा रखा है वो मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा आपको कौन सा लगा रखा है। ये हमारा पूरा ग्लास आ रखा है, पूरा का पूरा डोर, ये स्लाइडिंग डोर है, बिकॉज मुझे स्लाइडिंग डोर ही शुरू से चाहिए था। आप चाहो तो खोलने वाला डोर भी लगा सकते हो। इसमें जो एल्युमिनियम लग रहा है वो ब्लैक मार्क एल्युमिनियम लग रहा है, नॉर्मल वाला एल्युमिनियम नहीं लग रहा। और ये साइड में हमारी टाइल्स लग चुकी है, टाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, भैया ने बहुत अच्छे से टाइल्स लगाई। यहाँ हमारा डोर लग रहा है, डोर में मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि डोर में जो रबड़ लगेगी वो रबड़ डबल रबड़ लगेगी, ताकि ये ग्लास साउंड प्रूफ हो सके, जितना मैक्सिमम साउंड प्रूफ हो सकता है। तो भाई इसमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, मेनली प्रॉब्लम ये आती है, मैंने जो बहुत सारे लोगों को देखा इस टाइम काम करते हुए, ऊपर मेरी आदत ये आई वॉज लाइक रेस्टलेस, जब मेरा कोई काम चल रहा होता है ना, रेस्टलेस बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ कि काम पूरा करो वरना जल्दी करो, मतलब जो कुछ भी ऐसा है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैं क्या करता जब मेरा पेंट का काम चल रहा है तो उसके बाद ही मैंने टाइल वाले को ढूंढना शुरू कर दिया, टाइल वाले तय कर लिया कि इस डेट पर आप आना। हमेशा वो एक दो दिन लेट ही करते हैं, उसके पहले ही आप उनको बोल दो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ करो काम। ये एक रूल है कि उनको बोला कि भाई आओ और करो। इवन जो आपके मजदूर हैं वो बोलते कि आज छुट्टी है, आज किसी के काम पे जाना है, इन सब बातों का ध्यान रखो। अगर आप लेबरी वर्क पे काम करवा रहे हो उनको बोलो टाइम पे आना है, टाइम से काम करना है। बहुत सारे लेबर्स ऐसे होते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बाद में पता लगा, मसाला जो होता है आपका जो सीमेंट और डस्ट का मसाला होता है वो थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, ताकि वो पूरा दिन वही बनाते रहे। उसके अलावा उनको ये बात बोलो कि वो एक बारी में पूरा बनाए, कि लंच तक चले या फिर पूरा दिन चले, ताकि वो बार बार मसाला ना बनाना पड़े। इसके अलावा कई बार मैंने ये चीज़ तय करी, अभी हमारी अपर फ्लोर बननी है, अपर फ्लोर की बात चल रही है, उसमें क्या होता है वो कहते हैं कि ईंटें पहुँचाने के लिए डबल लेबर चाहिए। तो ऐसा नहीं होता जहाँ पे एक लेबर लगेगी वहाँ एक लेबर लगेगा, दो लेबर लगे दो लेबर लगेगी। अगर दो लेबर चाहिए एक ईंट ऊपर देगी तो इससे बढ़िया आप एक लेबर लगा के पहले सारा सामान ऊपर पहुँचवा दो अपने फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे आपका लेंटर डल चुका है। कि थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगर आपको थोड़े बहुत पैसे बचाने हो, हालांकि इतना ज़्यादा पैसा मैटर नहीं करता इन सब चीज़ों में, जब आप घर बना रहे हो पैसा पानी की तरह तो जाता ही जाता है। पर ये फिर भी दो तीन बातें अगर आपके ध्यान में आ जाए, एक दो बंदों की वीडियो अगर यूजफुल हो तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि बड़े बुजुर्ग इस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, हमारी जनरेशन थोड़ी सी कम है इस चीज़ में, मैं टोटली एग्री करता हूँ, मुझे हमें कुछ नहीं इस बारे में पता होता, धीरे धीरे करके पता लगती है। बट अभी वीडियो में चलते हैं आगे। भैया आए हुए हैं, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान। नाइस टू मीट यू भैया। तो गाइस द थिंग इज कि मैंने यहाँ पेंट करवाया था, जैसे आप सबको पता है, एंड इस पर पेंट करवाने के बाद प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे लुक नहीं पसंद आ रही। तो भैया आए हैं, भैया ने कई सारे आइडियाज़ दिए हैं, भैया ने बताया पैनल्स के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में पैनल्स से जानकारी दूंगा कि अगर आपको पैनल्स लगवाने हैं तो पैनल्स कितने रेट में लगते हैं, कैसे लगते हैं। WBC पैनल्स, UVC पैनल्स, PVC पैनल्स, इन तीनों में फर्क क्या होता है भैया, वैसे बताएंगे आप? PVC पैनल 6 मिल के बेसिकली होते हैं, और जो लूअर्स होते हैं वो 1 इंची के मोटे होते हैं, उसमें 1 इंची का जो होता है वो ग्रुप होता है। अच्छा। हाँ, उसमें लाइटिंग भी जो है बीच में फिट कर देते हैं। अच्छा सर। हाँ, नॉर्मली WPC पैनल्स तो होते हैं और जो PVC होते हैं, सबको पता है चारकोल होता है एक तो WPC में, और PVC में क्या फर्क होता है वैसे? नॉर्मली ये प्लास्टिक होती है, बस ये प्लास्टिक होती है, लाइफ दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, लाइफ में फर्क होता है? सेम ही होती है, सेम ही होती है एक तरह से। तो अगर हम जैसे नॉर्मल लगवा रहे हैं आजकल ना, एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है जो इस वीडियो का मकसद है आपसे बात करने का, लोग कहते हैं UVC लगवा लो, PVC मत लगाओ, तो क्या इंसान को कन्फ्यूजन है इस चीज़ में कि वो क्या करे? नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ वॉल को अच्छा दिखाने के लिए UPVC का अपना एक लुक है और PVC पैनल्स का अपना लुक है। अच्छा। दोनों के डिजाइन अलग है, बाकी मेटल जो है लगभग सेम है। यहाँ बात शुरू होगी PVC पैनल्स की। तो जब भी आप PVC पैनल्स लगाएं, मेन बात याद रखती है कि जो भी यूज़ करें वो सुपर का माल यूज़ करें, बहुत अच्छी क्वालिटी का पैनल यूज़ करें, वो आपको दबाने से पता लग जाएगा। एंड अगर आप फोर सीलिंग करवाते हैं तो उसका पड़ता है 90 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 10-15 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। एंड अगर आप वॉल्स करवा रहे हैं तो उसका लगभग पड़ता है 50-40 रुपये स्क्वायर फुट। इट्स अप टू यू कि विच वन यू आर यूजिंग, दैट्स इट वाई आई एम यूजिंग PVC पैनल्स, वीडियो में जाके आगे पता लग जाएगा आपको, एंड अब तक भी पता लग ही गया होगा थोड़ा बहुत। तो ये भाई आए थे, इन्होंने अपने लड़के भेजे थे PVC पैनल्स लगाने के लिए। वैसे हमारे PVC का काम शुरू हो जाता है, और जो PVC पैनल्स की लुक है वो मैंने चुनी थी ऑलमोस्ट मेरी टाइलों से मिलती जुलती हुई, बिकॉज मुझे अंदर कोई रेनबो नहीं बनवाता, मुझे सिर्फ ये चाहिए एक अच्छी क्लासी से लुक। यहाँ हमारे पूरे PVC पैनल्स लग के हो जाते हैं रेडी, जो कि आप पीछे देख सकते हो। इनको लगाने का सिर्फ मकसद यही था, बिकॉज आई वॉज नॉट लाइकिंग द लुक ऑफ प्राइमर। हालांकि जो मैंने प्राइमर यूज़ करा वो था एशियन पेंट का प्राइमर, लोग डीलक्स पीलक्स पता नहीं कौन कौन से यूज़ करते हैं। मैंने मार्केट का सबसे महंगा प्राइमर यूज़ करा था। प्राइमर के अलावा जब मेरा जो पेंटर था उसने बहुत बड़ी गलती हुई थी। पेंटर लोग शुरू में आपको बताएंगे 6,000 का सामान आएगा, जबकि वो आते आते 3 दिनों का सामान आता है, 21,000 तक का सामान आता है। पेंटर आपको बोलता है 3 दिन की दिहाड़ी लगेगी, लगती है 6 दिन की। तो डबल ना लगे, 3 दिन बोला 4 दिन में काम करके दे, उन सबसे ये डिसाइड करके रखना कि ये सब प्रॉब्लम्स ना आए, बिकॉज कई लोगों का बजट फिक्स होता है, उनको इतने बजट के अंदर काम करना होता है, तभी लोग लेबरी वर्क पर काम करते हैं।
और इसके अलावा अगर मैं आगे बताऊं कि अगर आप अपना उसका काम कर रहे हैं पेंट का, तो अगर आप यह ध्यान रखें कि सीलन सुलन जिस जगह पे आनी है उस जगह पे सीलन आनी आनी, आप कुछ भी करवा लो वहाँ पे, वाइट सीमेंट लगवा लो, आप थोड़ी सी एहतियात बरत सकते हो, लेकिन वो पूरी तरह 100% वो नहीं है। मैंने जब पेंट करवाया था, मैंने डबल कोटिंग प्राइमर की कराई है, एशियन पेंट से मेरी बात हुई थी, खुद पर्सनल भी कस्टमर केयर में मैंने बात करी थी। अगर आपको पेंट करवाना है और आपका बड़ा एरिया है, तो आई टोटली सजेस्ट यू कि एशियन पेंट से जाके करवाना। ये कोई प्रमोशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो लोग नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छा पेंट कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उनको मतलब अपने तरीके पता होते हैं। ये सब तो होगी सारी एक्स्ट्रा बातें कि प्राइम ये सब, पर अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी मेन चीज़ रहती है इस ऑफिस में लगनी, मेरा ड्रीम पूरा होना वो रहता है, वो अब देखते हैं कि वो क्या है, लेट्स सी। गाइस, दिस इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट 3D वुडन मैप, तो लेट्स ओपन इट। इंडियाज फर्स्ट 3D वुडन मैप, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम यू वुड लव इट, एंड लेट्स ओपन इट। दिस इज कोला एंड दिस इज व्हाट वी गेट। अमेजिंग। इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिला है, कैसे कैसे है। आई होप एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसमें सब कुछ होगा जैसे से होगा। बाकी अनबॉक्सिंग करते धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। स्टार्ट। तो गाइस, जब भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना डॉट्स लगाई हमने, एक डॉट शायद दिखनी भी होगी आपको, देखो ऐसी डॉट लग रही है, दिस टाइप का डॉट। जब भी आप मैप की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, तो आपको ऐसे फ्रेम ले लेना है इसका, जस्ट जैसे मैंने फ्रेम ले लिया है। इसके बाद आपको पूरी इंस्टॉलेशन दिखाते हैं कैसे होगा। इसका मकसद यह है ताकि आप घर पे भी अपने इजीली कर पाएं, इसमें कोई भी हेडेक की काम बात नहीं है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर रोहित, yes, जो कि है यू वुड लव इट से, जो कि इंडिया फर्स्ट वुडन मैप कंपनी है। दैट्स सो अमेजिंग टू हियर दैट। तो सर, जो ये वुडन मैप्स है, तो सर इनकी खास बात क्या है? ये आपकी कंपनी खुद सब कुछ बनाती है, जैसे आपने मुझे बताया? करते हैं सर, इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ हम ही करते हैं इसमें। ओके, ये ए टू लेके जेड तक हमारे हाथ में है, सारा वर्कशॉप हमारा है, इसे डिजाइनिंग से लेके इसके प्रिंटिंग तक सारा हमारा काम है। ओके, तो सर ये जो मैप है, इसको लेने का प्रोसेस क्या है? आपकी ऑनलाइन टीम के थ्रू हम ले सकते हैं? सर, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है youwouldloveit.com, आप उस पे जाके विजिट कर सकते हैं। सर ये जो मैप है, ये कोई भी घर में लगा सकता है अपने? यस सर, ये बेसिकली वर्ल्ड, ये अपने वॉल डेकोर के लिए यूज होता है, और मैप है तो बच्चों के लिए भी यूज हो सकता है, एज एक्टिविटी, जैसे एज एक्टिविटी भी हो सकता है, उनकी ज्योग्राफी के लिए भी हो सकता है कि उनको कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे। और स्पेशली सर आप लोगों के लिए बहुत तो आपको भी याद रहेगा, अपने मेमोरीज वगैरह, फोटोज वगैरह, इस पे हमने डॉट्स दिए हुए हैं, अपने पुश पिन के साथ आप इसके अपनी पिक्चर लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम आप यहाँ गए थे। Okay, ये करा था आपने, फन के लिए भी है, बहुत चीजों के लिए यूज होता है। दैट्स सो गुड सर, चलिए इस मैप को लाग यहां लगा के देखते कैसे था हमारा एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द बॉक्स वी गेट विद दिस। इस पे हमारी सबसे पहले ब्रांडिंग है उसकी, एंड यार इंडियाज फर्स्ट 3D वुडन मैप लिखा हुआ है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। आई एम सो प्राउड कि इंडिया इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है। इसको हमने खोला और खोलते ही सर हमें सबसे पहले देखा, बॉक्स में मिलती है हमें डबल साइडेड टेप, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की टेप है। इसके साथ हमें ये मिलता है सर, ये क्या है? ये मेजरमेंट टेप है सर। दिस इज द मेजरमेंट टेप ऑल्सो, आपको ये भी दे रहे हैं, आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही। एंड इसके साथ साथ दिस इज द आईलैंड्स वी गेट, इसको रखते हैं हम साइड में, यहाँ पे रखते हैं। एंड इसके साथ ये डबल टाइप टेप को भी इसके साइड में। एंड सर व्हाट इज दिस? सर दिस इज स्टेंसिल, स्टेंसिल्स फॉर इंस्टॉलेशन, फॉर द इंस्टॉलेशन। ओके, ये सारे स्टेंसिल्स हैं जो कि हर किसी को दिए जाएंगे, मैं कुछ स्पेशल नहीं है जो मुझे मिला, हर किसी को मिलेगा। साइड रखते हैं, ऐसे रख सकते हैं सर, उसको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं। ओके गाइज, मैं वीडियो में आगे बढ़कर आपको बताना चाहूँगा, ये ना बहुत स्टूडेंट्स की एक्टिविटी भी है, कई सारे स्कूल्स में लगा सर लगा चुके हैं। क्यों सर? तो इसको हम करते हैं साइड रखते हैं, इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं। ये सबसे पहले इंस्टॉलेशन मैप गाइड, बहुत ही प्यारा दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है। इसमें आपको सारे साइजेस के दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि दिख रहे हैं मेजरमेंट टेप है, जो कुछ आपको बॉक्स में मिलेगा यहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है। इसके बारे में हम करेंगे आगे बात, पहले इसको रखते हैं साइड में। एंड इसके साथ ये पूरी पैकिंग आई है, ये थर्माकोल का बहुत प्रीमियम पैकिंग है मैं कहूँगा। ये खोला हमने और ये यहाँ से पूरा चिपका के दे रखा है। चलो वेरी गुड, ये सब हमें मिल गए। सर ये क्या है सारे? सर ये रशिया है 6mm, ये रशिया का मैप है 6mm, जमीन किसकी जो विड्थ है और जो चौड़ाई है वो है इतनी, राइट सो? यस सर। एंड डिटेलिंग की बात करें तो बहुत अच्छी डिटेलिंग दे रखी है। फिलहाल अनबॉक्सिंग करते हैं आगे। एंड सर इसमें ये सारे आइलैंड्स हैं, जो सॉरी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज हैं सर। ये ब्राज़ील हो गया जैसे, ये ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अंदर अर्जेंटीना। ये तो मैं आपको सर लगा के दिखाऊंगा सबको कि गाइस कैसे रहते हैं। सबसे पहले करते हैं पूरी अनबॉक्सिंग की वीडियो, अनबॉक्सिंग में क्या क्या मिलता है हमें। इस सब तरह के आइलैंड्स हैं, मैं इसको जमीन में रखूंगा बिकॉज इतना सा गंदा होने के चांस है। और इसके साथ साथ हमें नीचे से सारी कंट्रीज हैं और कुछ भी इसके सर, कंट्रीज हैं सारी, सारी कंट्रीज हैं। हाँ सर, तो बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा हमारा सर इंडिया, हमारा सबसे प्यारा इंडिया।
सो गाइस कौन कौन कहाँ कहाँ जा चुका है इस इंडिया में कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो ऑलमोस्ट केट होकर पूरा कर चुका हूँ, जैसलमेर से लेकर सारी मेरे को प्लेसेस दिख रही जहाँ जहाँ मैं जा चुका हूँ। और इसके साथ साथ बहुत बहुत अच्छा मैप है, डिटेलिंग मैप है। और वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको एक स्पेशल बात जरूर बताऊँगा इस मैप के बारे में। इन टर्म्स ऑफ लाइक इंस्टॉलिंग, ये रेड टेप देखिए, आपको इस रेड टेप को हल्का सा पील करना है एंड ये वो ऐसी हो जाएगी पूरी ट्रांसपेरेंट। एंड अभी हम इसको पेस्ट करके दिखाते हैं। फिलहाल हमने सारे के सारे पार्ट जो है वो रख लिए फिलहाल ही हैं एंड इसकी हम करेंगे इंस्टॉलिंग। लेट्स सी। एंड ये रेड टेप है, प्लस में आपको एक्स्ट्रा रेड टेप भी मिलती है अगर आपको लाइक प्रॉब्लम आती है कुछ ऐसा। ये जो एग्जैक्ट स्पेस दे रखा है ना कॉर्नर्स में, इस एग्जैक्ट स्पेस में ही वो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, लाइक आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं कि गलत लग गया तो। क्यों सर? यस सर, बिल्कुल। और एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ कि ये ना लाइक देखना, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, इसको हिलाने की कितनी कोशिश कर लो, ये देखो ये नहीं हिलेगा, बहुत ही मजबूती से बहुत ही पक्का लग रहा है। इवन ये कॉर्नर्स भी है, ये बहुत ही मजबूत लग रहे हैं, बहुत ही। ये देखो सर, ऑलमोस्ट पूरे जान से हिला रहे हैं। सो गाइस यहाँ हमारा पूरा मैप लग चुका है, मैं लिटरली बता रहा हूँ इतनी डिटेलिंग है यहाँ पे। ये फिजी आइलैंड है, ये बोट्स हैं हमारी, ये सब जो सामने, और बहुत गजब लग रहा है मुझे। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल पहले मैंने ड्रीम देखा था कि मेरा कभी भी ऑफिस या कुछ बनेगा वहाँ, ये जरूर आएगा। ये हमारा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हर चीज़ है इसके अंदर, हर चीज़। मैं क्या ही बोलूँ मैं। और सामने वाला बुआई, पूरा का पूरा मैप है तैयार। थैंक यू सो मच रोहित सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बनाया है। और किसी को अगर ये ऑर्डर करना हो तो उसके लिए हमें यू वुड लव इट साइट पे जाना पड़ेगा। सर हमारी वेबसाइट है यू वुड लव इट, एंड इस पे जाके विजिट करिए। ये हमारा एक हॉट सेल प्रोडक्ट है, मतलब कलर है, इसके अलावा भी हमारे पास 10 कलर और हैं। ओके, एंड कोई भी चाहे तो उसका, तो इसमें कई सारे साइजेस अवेलेबल हैं, लाइक ये मीडियम है, स्मॉल, लार्ज, सारा कुछ है। यस सर, हमारे पास ये मीडियम है, इससे पहले स्मॉल आएगा, फिर ये मीडियम है, फिर लार्ज है, फिर एक्सेल है, सारे हैं। सो गाइस यू कैन यूज दिस मैप, और बहुत अच्छा मैप है, बहुत सारे स्कूलों में लगता है ये, बहुत जगह लगता है, वन ऑफ द माय ड्रीम है। इवन मेरे जो डेस्कटॉप का वॉलपेपर, लेट मी शो यू, ये मेरे डेस्कटॉप का अभी वॉलपेपर भी ये है, और मेरे पीछे का बैकग्राउंड भी ये है, और मुझे तो लाइक बहुत अच्छा लगा ये, बहुत अच्छा। अगर आपको ये बाय करना है ना, बाय करना है तो यू कैन बाय इट फ्रॉम youwouldloveit.com। और इनका कहता है, मुझे वुडन में थोड़ा फर्क दिखा था, डिटेलिंग दिखी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो मेरे पास आए, उनको ने कहा कि मैं, ये जो सर आए थे हमारे पास, कि मैं एक एक पीस खुद अपने हाथ से प्रिंट करता हूँ, खुद बनाता हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। इससे पहले ही मैंने कई लोगों से बात करी थी इस बारे में, लाइक फरीदाबाद में बात करी थी, दिल्ली में बात करी थी, नोएडा तक मैं उन्होंने पूछा था, पूरे NCR में पता करता है इसके बारे में। पर जो कोई भी था सब कहते हैं हम इम्पोर्ट करवाते हैं चाइना से, पर इन्होंने बोला कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपना सब कुछ है। इसके अलावा अब बढ़ते हैं वीडियो में लास्ट में, अगर आप फर्नीचर, लास्ट में फर्नीचर आ जाता है, तो गाइस अगर आप फर्नीचर अपना बनवा रहे हैं, कोई टेबल बनवा रहे हैं, कोई कपबोर्ड बनवा रहे हैं, गाइस कोई शेल्फ बनवा रहे हैं, शेल्फ में मैंने क्या करता है, शेल्फ में मैंने यूज़ करा है यहाँ सब में टफन ग्लास, ऑल द टफन ग्लासेस आर यूज इन द शेल्फ। एंड जो बोर्ड ये वाला जो मेरा कंप्यूटर टेबल है, ये दिस इज ऑन सनमाइका, सनमाइका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बोर्ड आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इट्स टोटली अप टू यू, आप किस पर जाना चाहते हो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता। मेरे को ये बता, बस बोर्ड की लाइफ थोड़ी कम होती, गत्ते का बोर्ड होता है, भूसे भरे वाला बोर्ड होता है, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस फर्नीचर में जाना चाहते हो। फर्नीचर अगर मैं एक एक डिटेलिंग की बात करने लग गया ना इस वीडियो में, तो वीडियो 25 मिनट की छोड़ो 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, जितनी मुझे इस बारे में नॉलेज अब हो चुकी है। बट आप ट्राई कर सकते हो कि कौन सा आपको पसंद है। तो गाइस हमारी यहाँ ये दुकान तैयार है, एंड यहाँ पे इसमें यहाँ अभी सब काम बाकी है, पहले स्नो हो रहा है, यहाँ पे लग रही हैं टाइल्स, और ये टाइल्स लग रही हैं, और ये प्लस्तर हो चुका है, प्लस में ये हमारा एक गेट लग चुका है यहाँ पे, दिस इज दी बैक साइड, यहाँ भी अभी प्लस्तर होना बाकी है एक्चुअली। प्लस मैं आपको अपडेट दे दूँ, अभी हमारा ये सारा काम चल रहा है, लगभग 15-20 दिन का काम और भी रह गया है। एंड साथ के साथ यहाँ पे हमारे अब रूम बनने ऊपर, एंड दिस इज द व्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम, अभी इसके ऊपर भी ये सब ईंटें यहाँ पहुँच चुकी है, ऊपर मंजिल बन जाएगी, एक फ्लोर और हमारी बहुत जल्द। एंड दिस इज़ दी व्यू, पहले हमारा घर बहुत नीचे था, मतलब इससे भी काफ़ी नीचे था, और ये ना लाइक हमारे बहुत नीचे आता था, उससे भी नीचा घर था हमारा।
आई एम सो हैप्पी। सो गाइस ये था पूरा टूर, अभी फिलहाल तक जो काम हो चुका है, फिलहाल नीचे की दुकान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी कल तक। मेरा ऑफिस पूरा हो चुका है, नीचे का घर पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है और ऊपर की फ्लोरें बननी बाकी है, धीरे धीरे चलता रहेगा। तो गाइस आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कुछ भी आपको अपने घर का काम कराना हो या कुछ भी कराना हो, प्लस के साथ साथ नेक्स्ट वीक आएगा एक यूट्यूब मेरे पूरे स्टूडियो का अपडेट, पूरा जो कुछ मैंने काम करवा रखा है उसके अंदर। एंड आने वाले टाइम में कई सारी नई लाइक रियलिस्टिक वीडियोस आने वाली, जो जो प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ की है उन सबको सॉल्व करेंगी, या फिर उन सब में जो जो हमें दिक्कतें आती हैं उन सब के ऊपर। फिलहाल के लिए चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे फरीदाबाद दिल्ली में। तो आपके शहर में क्या हाल चाल है ज़रूर बताना। गुड बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, लव इच अदर एंड डोंट ट्रस्ट एनीबडी। बाय।